हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक पहुंचे भोपाल। इनकी मोहन यादव सरकार से मांग है कि 2023 में की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार ने महापंचायत बुलाकर वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इनकी एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है। यही वजह है कि प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक राजधानी पहुंचे हैं। राजधानी में मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए अतिथि शिक्षकों ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के साथ प्रमोशन देने का भी वादा किया था। एक साल बीत चुका है, लेकिन अब तक भाजपा सरकार की तरफ से अतिथि शिक्षकों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश से अतिथि शिक्षक भोपाल में तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करें। हमारी मुख्य मांग है कि अतिथि शिक्षकों की कार्य अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर सबको नियमित किया जाए, जैसा कि गुरुजी को 2014 में इसी सरकार ने किया था। आज तो 15 साल हो गए, हम लोग परेशान हो चुके हैं। आज करो या मरो वाली स्थिति है और भीड़ भी इतनी है। प्रशासन को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, वहाँ से कोई संदेश आना चाहिए। इतनी भीड़, 70,000 की संख्या है, अगर उसका भी अगर आज मुख्यमंत्री नहीं सोचेंगे तो फिर क्या है? ये बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।